लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को सकुशल संपन्न कराने के गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी प्रथम को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सभी पीठासीन और मतदान कर्मिकों को ईवीएम वीवीपैट सहित मॉक पोलिंग की जानकारी दी गई। मंगलवार को प्रथम प्रशिक्षण में 16 अप्रैल को 2011 मतदान कर्मिक अनुपस्थित पाए गए। इन अनुपस्थित कर्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु उनके कार्याध्यक्षों को पत्र प्रेषित किया गया है। यदि अनुपस्थित कर्मिक प्रथम चरण में प्रशिक्षण में 18 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल 2019 को सम्मिलित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ड्यूटी के दौरान अपने मतदान के आवश्यक है। एक पोलिंग पार्टी में योग्य अधिकारियों के एक डाटाबेस में से पोलिंग कब और कहां होगा और उसे दिया जाए। इस चरण में आप सभी लोगों को व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए ले चलते हैं। यहां आज मतदान होना है। पोलिंग पार्टी का शाम से ही इस मतदान केंद्र पर आ चुकी है। 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल का बैनर, झंडा इत्यादि नहीं है। बाहर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाता सूची चस्पा किया गया है। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चस्पा है। भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश भी चस्पा है। सुबह 6 बजे से हमारे पूरी पोलिंग पार्टी संख्या 372 इस 149 प्राथमिक विद्यालय रावत पाठशाला कमरा नंबर 1 पोलिंग पार्टी हमारी मतदान कराने के लिए आई हुई है। हम मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने जा रहे हैं। जो मतदान अभिकर्ता आए हुए हैं प्रारूप 10 लेकर के, वो एक एक करके मेरे पास आ जाए ताकि मैं उनको अभिकर्ता नियुक्त कर सकूँ। प्रारूप 10 एक मतदान अभिकर्ता का आ गया है और इस पर ये सूचनाएं दर्ज होती है कि किस प्रत्याशी के ये मतदान अभिकर्ता है, उस प्रत्याशी द्वारा इस फॉर्मेट को भर करके और उनके द्वारा साइन करके दिया गया है। पांच में भी आ गए हैं, दो साइड में लैचेज लगी होती है, इनको करके इस कवर को बिल्कुल ऐसे पकड़े। केबल लगी हुई है जो इसका एक एंड बिल्कुल इससे फेस है और दूसरा एक लाल और काले रंग के प्लग के साथ फ्री है। VU1 अगर एक बैलेट यूनिट आपके बूथ पर इस्तेमाल हो रहे हैं तो उस VU1 का ये प्लग जो है इस वीवीपैट के पीछे बने कंपार्टमेंट में लाल को लाल की तरफ मैच कराते हुए और उस सॉकेट में दे देखे लाल और काला बना हुआ है। अब जो वीवीपैट की केबल है उस वीवीपैट के केबल को CU से जोड़ना होता है तो CU के पीछे जाएंगे और यहाँ भी एक उसी तरह का लाल और काला करके इसमें पोर्ट बना हुआ है, लाल को लाल की तरफ मैच कराते हुए ऐसे ले जाएंगे, लाइन किए और इसको दबा दिया, ये इसमें बिल्कुल इंटैक्ट लग गया है। यहाँ कहते हैं वो अपना बटन दबा करके दबाते ही यहाँ का ग्रीन बल्ब बुझ जाता है और इसके सामने का लाल बटन यहाँ जल जाता है और यहाँ देखें एक पर्ची आई होगी, एक नंबर दिखा होगा और एक नंबर के प्रत्याशी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह, उसके बाद पर्ची कट के गिरती है, CU के अंदर मत रिकॉर्ड हो गया और यहाँ से मत डाला जा चुका इसलिए यहाँ घुस गया। इसी प्रकार से हम मिनिमम 50 वोट डालने हैं, डलवाएंगे दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र, इस प्रमाण पत्र को आपको भरना, वो अभी तक बिल्कुल मैच कर रहा है। पीठासीन अधिकारियों और प्रथम पोलिंग अधिकारियों की ईवीएम की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन दोनों अधिकारियों में से जिसकी भी बूथ पर ड्यूटी लगेगी, अभी तो जो फर्स्ट रैंडमाइजेशन हुआ है उसके आधार पर पीठासीन और मतदान अधिकारी प्रथम ग्रेड के अफसर छाँट लिए गए हैं और उनको ट्रेनिंग विधिवत दी जा रही है कि कैसे कंट्रोल यूनिट को वीवीपैट से जोड़ना है और कैसे बैलेट यूनिट को वीवीपैट से जोड़ना है, क्योंकि एक
वीवीपैड एक प्रिंटर है जो बैलेट यूनिट की जिस बटन को एक जिस अभ्यर्थी को कोई मतदाता मत देता है वही क्रम संख्या वही चुनाव चिन्ह उसका नाम वीवीपैड में 7 सेकंड के लिए पर्ची पे दिखाई देता है, वही सूचना फिर कंट्रोल यूनिट में दर्ज होने के लिए चली जाती है। इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि किसी भी प्रकार से उनको जो भी शंकाएं हों सब दूर हो जाएं। ये आज 16 तारीख को 3 पारियों में होनी थी, 18 को भी 3 पारियों में होनी है और 20 तारीख को भी 3 पारियों में प्रशिक्षण दिया जाना है। मास्टर ट्रेनर ये प्रशिक्षण दे रहे हैं।